हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम टारगेटेड जीओवी जॉब्स पे हमने कैप्सूल से स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण पर्सन्स लेके आने वाले थे कम समय में ज़्यादा प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का कैप्सूल नंबर 2। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कुछ एक जो धातु होते हैं दोस्तों, आयरन, और कुछ एक धातु हैं जो शीतल जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके अपने वो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो गैस के लिए पूछा है, तो कौन सी गैस हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ये है रिएक्शन कि जब आयरन जल, देखिए यहाँ पे गैस लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, तो गैस ही भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये धातु का ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों, चांदी और सोना जो होता है वो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि वे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें सबसे नीचे रखे जाते हैं, और इसीलिए उन्हें नोबल मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जो चांदी होती है दोस्तों, वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि हवा में मौजूद होती है उससे अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाती है, और कुछ समय बाद में चांदी क्या हो जाती है? काली हो जाती है। तो ये जो काली होती है वो काली परत किसकी है? सिल्वर सल्फाइड की काली परत होती है। टमाटर फल है या सब्जी? तो देखिए दोस्तों, अभी मौसम चल रहा है टमाटर का, लेकिन टमाटर फल है या सब्जी? हम बतौर सब्जी का तौर पे टमाटर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टमाटर है क्या? फल। फल क्यों है? फल की परिभाषा हम ऐसा देखते हैं विज्ञान के अंदर कि जो फूलों के अंडाशय से बने और जिनके अंदर बीज हो, वो उसको हम फल लेते हैं। तो टमाटर जो होता है वो अंडाशय से बनता है और उनके अंदर बीज होते हैं, तो इसलिए क्या है? टमाटर क्या है? फल है। तो टमाटर निश्चित रूप से क्या है? एक फल है, और वो भी सोलेनेसी फैमिली का है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में फल उसे ही माना जाता है जिस जो पुष्प के अंडाशय से पैदा होता है और फलों में बीज होते हैं। टमाटर में भी बीज होते हैं, इसलिए टमाटर क्या है? फल। ब्रह्मांड का सबसे मजबूत चुंबक कौन है? तो ब्रह्मांड में क्या होता है, एक सबसे छोटा तारा पाया जाता है न्यूट्रॉन, जो कि काफ़ी ताकतवर होता है, और इसी न्यूट्रॉन तारे को ही सबसे मजबूत चुंबक माना जाता है। अब न्यूट्रॉन तारा बनता कब है? जब किसी तारे का भार काफ़ी बढ़ जाता है तो उसमें बहुत भारी विस्फोट होता है, एक छोटा सा गोला बचा रह जाता है जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गुरुत्वाकर्षण से दबकर न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। एक बार धरती के पास ही कोई न्यूट्रॉन तारा बना था तो उससे इतनी भयंकर, इतने ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक की किरणें निकली थी कि जो भी सैटेलाइट आए थे भारत, जो भी सैटेलाइट थे वो खराब हो चुके थे। तो इसलिए इसी कारण न्यूट्रॉन तारे को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक माना जाता है। और मैग्नेटार जो है वो एक टाइप का क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार ही होता है। एक मानव शरीर में कितना नमक औसतन पाया जाता है? तो 250 ग्राम करीब मानव शरीर में औसतन नमक पाया जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने के लिए क्यों सलाह दी जाती है? तो दोस्तों, जो दाब होता है उसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में का मान ज़्यादा होगा तो दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए आदमी लेट जाएगा, और लेट जाने पर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या जाएगा? बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे वो दलदल में डूबेगा नहीं। टेबल शुगर, तो हमने अभी तक सुना है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट क्या होता है? NaCl। टेबल साल्ट होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन हमारा प्रश्न है टेबल शुगर क्या होती है? तो टेबल शुगर जो चुकंदर और गन्ने से प्राप्त शुद्ध सुक्रोज होता है, शुद्ध सुक्रोज, उसको बोलते हैं हम टेबल शुगर। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो लेकिन लेड पेंसिल का नाम ही रखा गया है लेड पेंसिल, बाकी जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट का वो बनी होती है, ग्रेफाइट से वो बनी होती है, और ग्रेफाइट किसका अपरूपक होता है? किसका रूप होता है? कार्बन का रूप होता है, इसलिए लेड पेंसिल में लेड की तो 0% मात्रा होती है। ताजे दूध का पीएच 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच का मान क्या होता है? तो दोस्तों बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, खट्टा कब होता है? जब वो चीज़ अम्लीय हो जाती है, अम्लीय कोई चीज़ होती है तो वो खट्टी हो जाती है, और खट्टी हो जाती है तो उसका पीएच लेवल 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
और यहाँ पर हमारे दूध का पीएचसी 6 से 6, तो अम्ल हो गया, वो अम्ल हो गया तो 6 से क्या हो गया, कम हो गया, उसका पीएच 6 से कम हो गया। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जाना जाता है। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, तो पहले कंप्यूटर वायरस का नाम है क्रीपर, जो कि 1970 में बना था। तो ये आज का छोटा सा कैप्सूल था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद।